आचार्य जी, जैसे ऐसा तो होता है कि हमारी कन्फ्यूजन बढ़ती है जब हम बहुत ज़्यादा जैसे आपको सुनते हैं या फिर किसी भी और ओशो को या फिर किसी भी सेंट्स को सुनते हैं और पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो कन्फ्यूजन एक ऐसे लेवल पे आ जाती है कि सर दर्द होने लग जाता है कि बहुत ज़्यादा हो गया। और वो वही बातों की कन्फ्यूजन है जिससे हमें पहले ऐसा लग रहा था कि क्लैरिटी मिल रही है, तो वो चीज़ समझ नहीं आ रही कि उस कंडी वो क्या कंडीशन आ गई है एकदम से। देखो, गणित तक में कोई सवाल होता है, तुम्हें दिया जाता है कि इसको हल करो, और तुम उसे अपने हिसाब से हल कर रहे होते हो। हाँ, अपनी सामर्थ्य से, जो भी बुद्धि लगाई उसके माध्यम से, और तुमने अपने अनुसार तो उसे हल कर ही दिया होता है। सवाल लिखा होता है, तुमने उसके नीचे कुछ जवाब लिख दिया, ठीक। फिर तुम देखते हो किताब में कि इसका वास्तविक हल क्या है, या कि कोई शिक्षक आता है वो तुमको समझाता है कि इसका इसका वास्तविक हल क्या है। तो अब देखो तुम्हारी स्थिति क्या है। अब तुम्हारी स्थिति ये है, तुम्हारी स्थिति ये है कि तुम ही वो हो जिसने अपनी बुद्धि से गणित का सवाल हल किया है, ठीक है। और तुमने हल किया है तो तुम्हें ये विश्वास भी होगा कि तुमने जो हल निकाला है वो ठीक ही है। भाई, तुम्हारे अनुसार तो वही हल ठीक है ना, तभी तुमने उसको लिख दिया, ठीक। तो एक तरफ तो तुम हो जिसने अपनी बुद्धि से सवाल को, समस्या को हल कर डाला, और तुमने जो हल निकाला है उसमें तुम्हारा विश्वास भी है ना, ठीक। और दूसरी ओर अब शिक्षक सामने आ गया है, वो कह रहा है कि बेटा, आपने जो हल किया था वो गड़बड़ है, ऐसे नहीं होगा, और ये रहा असली समाधान। अब तुम अपनी मनोस्थिति को देखो, जिस समाधान को गलत बताया जा रहा है वो समाधान लिखा किसने? तुमने लिखा, और तुमने लिखा है तो तुम्हारा उसमें यकीन भी है। यकीन है तभी तो लिखा है, तुम्हें पता होता कि जो तुम लिख रहे हो गलत है तो तुम उसे लिखते क्यों? तो तुम्हें यकीन तो है ही कि जो तुमने लिखा है वो सही है। और अगर तुम अपने आप को धुरंधर खिलाड़ी मानते हो, बड़ा गणितज्ञ मानते हो, तो तुमने फिर जो उत्तर लिखा होगा उसमें तुम्हारा यकीन पुख्ता होगा, होगा कि नहीं होगा? और जहां तक जिंदगी की बात है, जिंदगी में तो हम सभी अपने आप को धुरंधर मानते हैं। इससे पूछा जाए कि तुझे हवाई जहाज उड़ाने में कितनी योग्यता है, तो ये कह देगा नहीं है, मान लेगा, विनम्र होके मान लेगा कि हवाई जहाज उड़ाने में मुझे कोई योग्यता नहीं है। पर इससे पूछा जाए कि तुझे जिंदगी जीने में कितनी योग्यता है, कहेगा जी साहब, जिंदगी जीना कोई विशेषज्ञ का काम है, सभी जीते हैं, मैं भी जीता हूँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ जिंदगी के बारे में। आज तक कोई ऐसा मिला है जो जिंदगी को लेकर के ज्ञान ना रखता हो, दूसरे को नसीहत ना देता हो? कोई मिला है? नल की टोटी खोलने के लिए हमको विशेषज्ञ चाहिए होता है, चाहिए होता है ना? पर जिंदगी के बारे में तो हम सभी विशेषज्ञ होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं सभी। वहां हमें जरूरत ही नहीं लगती किसी विशेषज्ञता की। हमें लगता है कि हम जी रहे हैं, हम अनुभव ले रहे हैं, हमारे पास शरीर है तो हम विशेषज्ञ ही हुए। बल्कि सलाह भी ऐसी ही देते हैं दूसरों को कि देखो, तुम्हारी जिंदगी है, तुम फैसला करो। ये वैसी सी बात है कि जैसे हवाई जहाज में यात्री बैठे हुए हैं, उनसे पूछा जाए जरा फैसला करके बताना रनवे पर किस गति से उतारना है। कोई फैसला करने के लिए पहला फैसला करने की पात्रता भी तो होनी चाहिए। तुम जाओ किसी डॉक्टर के पास और वो तुमसे बोले जरा फैसला करके बताना तुम्हें क्या दवाई दें,
और आगे बढ़ जाओ, सर्जरी चल रही है तुम्हारी, छाती खुली हुई है बिल्कुल, और सर्जन तभी तुम्हें ऐसे झंझोड़ के जगाए, बोले अरे उठ बेहोशी से, बता कि अब आगे क्या करूं, तू ही फैसला करके बता, क्योंकि ये तो तेरे दिल का मामला है। क्यों तुम कहते नहीं हो, देखिए बात मेरे दिल की है, आप नहीं समझेंगे, कहते हो ना, तो अगली बार जब दिल खुले तो सर्जन भी तुम्हें उठा के पूछे, बताओ दिल है तुम्हारा, क्या करना क्या है। भाई किसी के दिल के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, व्यक्तिगत मामला होता है। तो जीवन में तो सब अपने आप को विशेषज्ञ ही समझते हैं ना, समझते हैं ना। गणित में तो फिर भी हो सकता है कि तुमको जरा विनम्रता हो, तुम ये मान लो कि मैं गणित में कच्चा हूं, पर ऐसा कोई होता है जो माने कि मैं जिंदगी में कच्चा हूं? कोई मिला है? घर घर में विशेषज्ञ बैठे हैं, हर कोई विशेषज्ञ है, और उम्र जितनी बढ़ती जाती है विशेषज्ञता उतनी ही बढ़ती जाती है। बाल हमने यूं ही नहीं सफेद करे हैं, लगता है ना, जानते तो हम हैं ही। वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि गणित में कुछ गलत हो जाता है तो प्रमाण बिल्कुल साफ होता है कि कुछ गलत हो गया। उत्तर आना चाहिए था 4 और तुम्हारा उत्तर आया है 14, बात बिल्कुल साफ है कि कुछ गलत हो गया है। जीवन में जब कुछ गलत हो जाता है तो तुम्हारे पास बहाना रहता है ये कहने का कि मैंने तो ठीक ही करा था, स्थितियों ने गलत करा दिया, दूसरे पर दोष डाल दिया तुरंत, मैं क्या करूं, माहौल कुछ ऐसा था कि बात बिगड़ गई, वरना हमने तो तीर चला ही दिया था, तीर बिल्कुल हमारा जाकर के लग रहा था पेड़ पर ही, पेड़ खिसक गया अचानक। या कि तीर चलाना नहीं आ रहा है, धनुष पकड़ना भी नहीं आ रहा है, तो कह रहे मैं क्या करूं, मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां मुझे सिखाया ही नहीं गया। गणित में तुम ऐसे बहाने नहीं चला पाते, गलत है तो है, बात खत्म। कह वहां भी सकते हो मैं क्या करूं, मुझे सिखाया नहीं गया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, लेकिन फिर भी गलती तो जाहिर हो ही जाती है ना। जीवन में ये मानना अहम को बड़ा बुरा लगता है कि हम गलत हैं, है ना। तो अब तुमने गणित का सवाल कर रखा है गलत, और गणित का हमने प्रतीक भर लिया है, वास्तव में हम बात कर रहे हैं जीवन में। तुम्हारा सवाल रखा हुआ है सामने, तुम्हारे द्वारा तय किया गया जवाब रखा हुआ है सामने, और कोई और आके बता रहा है कि जो तुमने किया है वो गलत है। मैंने कहा अपनी मनस्थिति को देखो, तुम कैसे आसानी से मान लोगे कि तुमने गलती करी है, क्योंकि अगर तुम ये मान लोगे कि जीवन में किसी एक मुद्दे पर तुम पूरी तरह गलत थे तो संभावना खुल जाएगी ना कि क्या पता तुमने जीवन में जो कुछ किया वो सभी कुछ गलत हो। गणित में ही अगर तुम सूत्र ही गलत लगा रहे हो, फॉर्मूला ही गलत लगा रहे हो, तो 100 सवालों में से कितने सवाल गलत करोगे, 100 के 100 गलत करोगे ना, या 1-2 गलत होंगे। जीवन में भी अगर तुम्हारे सूत्र ही गलत हैं तो 1-2 बार तुम गलती करोगे या रोज 50 बार करोगे। तो भला है कि मानो ही मत कि हमने एक भी गलती करी है, क्योंकि एक गलती को माना नहीं कि फिर दिख जाएगा कि पूरा जीवन ही व्यर्थ गया है, कदम कदम पर गलतियां करी है। कुछ भी कोई गलती मानो ही मत। वास्तव में जब भी कोई आदमी ऐसा मिले जो अपनी गलती मानने से बहुत घबराता हो, जो बिल्कुल लड़ जाता हो कि गलती तो नहीं मानेंगे कि हमारी ही गलती है, ये समझ लेना कि बहुत संभावना है कि उसके जीवन में सब कुछ गलत ही गलत है, और भीतर कहीं ना कहीं जानता है वो कि जीवन में सब कुछ गलत ही गलत है, इसलिए एक भी गलती नहीं मानना चाहता। एक गलती मानी नहीं कि पूरा मामला खुल जाएगा और जाहिर हो जाएगा कि तुम तो पूरे ही गलत हो, तो इससे अच्छा है कि बात शुरू ही ना हो। कुछ आ रही बात समझ में? तुम कह रहे हो कि मेरे पास जीवन से संबंधित धारणाएं हैं और फिर जब मैं आपकी बात सुनता हूं तो मैं कंफ्यूज्ड हो जाता हूं। कंफ्यूजन की वजह यह है कि तुम अपनी धारणाओं को पकड़े पकड़े मेरी बात को समझना चाहते हो। तुम एक शर्त तो ये रखना चाहते हो कि धारणा मेरी है तो गलत कैसे हो सकती है, धारणा को चुना किसने, मैंने चुना, और मैं कौन हूं, अकबर बादशाह, तो मैं गलत कैसे हो सकता हूं, मैं गलत कैसे हो सकता हूं, मैं गलत कैसे हो सकता हूं।
दूसरी ओर जब संतवाणी सुनते हो, गुरुओं के वचन सुनते हो, तो तुम कितने भी जिद्दी हो, तुम कितने भी कठोर हो, चुपके चुपके बात जाहिर होने लगती है कि बेटा जो संत कह रहे हैं सही तो वही है। तुम कर लो जितना विरोध करना है, तुम्हारे विरोध के बावजूद तुम ही मानना शुरू कर देते हो कि बात तो कबीरों ने ही सही कही है। चाह तुम यही रहे हो कहना कि नहीं हम ही हैं जीवन विशेषज्ञ, लेकिन कबीर साहब की दो बातें कान में पड़ेंगी और भीतर कुछ पिघलना शुरू हो जाता है, मानना पड़ जाता है कि कबीर साहब सही कह रहे हैं, और उस क्षण लगता है मान ही लेके सही कह रहे हैं, फिर याद आता है अरे अगर ये सही कह रहे हैं तो हम तो इनके विपरीत कहते हैं, अब अगर इनको सही माना तो फिर ये मानना पड़ेगा कि हम गलत, तो फिर कहते हो नहीं अभी हम समझे नहीं, अभी हम कंफ्यूज्ड हैं। ये दांव है तुम्हारा, क्योंकि मान लिया कि समझ गए तो मिटे तुम, और तुम ये भी नहीं कह सकते हो कि जो कबीर साहब कह रहे हो गलत है, तो तुम बीच का एक सस्ता रास्ता निकालते हो, तुम कहते हो ना मैं ये कहूंगा कि मैं गलत हूं, ना मैं ये कहूंगा कबीर साहब सही है, मैं ऐसा करता हूं कि समझौता करा देता हूं, मैं कहता हूं अभी मामला खुला हुआ है, तहकीकात जारी है, और मैं जरा उलझा हुआ हूं कि निर्णय किधर बैठेगा, ये भी सही हो सकते हैं, ये भी सही हो सकते हैं। अब तुमने अपने लिए चोर दरवाजा खोल लिया कि चुपके चुपके तो गुरुओं को और कबीरों को सुन लेंगे, लेकिन जीवन के मसलों में, जीवन के निर्णयों में चलेंगे अपने अहंकार के ही कहने पर, और ये गंदा समझौता सभी लोग करते हैं। गुरुओं की वाणी को सम्मान दे दो, प्रधानता दे दो, क्योंकि तुम चाह के भी उनको गलत तो साबित कर ही नहीं सकते, उनकी बात ऐसी है कि तुम लगा लो जितना जोर लगा सकते हो, तुम नहीं साबित कर पाओगे गलत है, तो तुम कहते हो हाँ इन्होंने ठीक बोला, इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, और इनकी बात को ले आओ और पूजा घर में सजा दो, इनकी बात इतनी ठीक है कि उसको ले आओ और पूजा घर में सजा दो, और पूजा घर में जो चीजें रखी होती है उसका जीवन में उपयोग तो किया नहीं जाता है, करते हो? पूजा घर में रखा हुआ है लोटा, उसका दिन भर कोई उपयोग होता है? तो पूजा घर में जहां तुमने कोई चीज रखी वो तुम्हारे लिए अब व्यवहारिक तौर पर उपयोग से बाहर की हो गई। पूजा घर में तुम कभी कोई फल भी रख देते हो, तमाम वस्तुएं रखते हो, रखते हो कि नहीं रखते हो? वहां पर जो तुमने वस्त्र रख दिया या धन रख दिया वो अब कभी उपयोग में आता है क्या? उसका तो उपयोग हो गया ना, वो वहां रख दिया गया, तो फिर तुम ये काम करते हो, कहते हो आचार्य जी की बात बिल्कुल सही है, सोने से आधा घंटा पूर्व पढ़ने के लिए, आचार्य जी की बात बिल्कुल सही है रात के आधे घंटे के लिए सोने से ठीक पहले पढ़ो, बढ़िया नींद आती है, दिन भर जितने कुकर्म करें उसके बाद भी बढ़िया नींद आ जाती है। और जीवन जीने के लिए किसकी बात सही है? जीवन जीने के लिए तो हमारी ही बात सही है, हम ही विशेषज्ञ हैं। हाँ, हमसे पूछा गया कि ज्यादा सही किसकी बात है, हम कहेंगे अरे आचार्य जी आदरणीय है, उनकी बात तो बहुत 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 सही है, इतनी सही है कि हमने उसको पूजा घर में रख दिया है, उस पर चलेंगे नहीं, उस पर जिएंगे नहीं, उस पर जिएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो काम नहीं करना है।